अक्सर हम कहते हैं क्या तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है, लेकिन यहाँ वरुण धवन को एक भेड़िया ने काटा जिसके बाद आदमखोर बनने लगते हैं। सुनकर डर लग रहा होगा। नहीं इस कहानी पर बेस्ड एक मूवी वरुण धवन ला रहे हैं जिसका नाम है भेड़िया। यह फिल्म को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने, जिन्होंने हॉरर और कॉमेडी का जोरदार तड़का लगाया जो लोगों को खूब पसंद भी आई। पहले उन्होंने स्त्री बनाई फिर रूही, अब एक बार फिर आपको हंसाने और डराने के लिए भेड़िया जैसी मूवी लेकर आए हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे जंगल में भेड़िया काट लेता है, जिसके बाद उनके शरीर में डीएनए चेंज आने लगते हैं और वो धीरे धीरे भेड़िए जैसे बनने लगते हैं। इसी वाइब्स के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। इस फिल्म में वरुण अपने आप को कुछ अलग करने की कोशिश की है। कृति सैनन, दीपक डोवरियाल, अभिषेक बनर्जी जैसे स्टार इस फिल्म में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाते नजर आएंगे। मैं नहीं मानता। इसमें दिखाए गए विजुअल इफेक्ट एक घुसबम देती है जिसे थिएटर में देखने का अलग ही मजा है। कहानी को बेहतर बनाने के लिए सिनेमेटोग्राफी पर भी फोकस किया गया है। कुछ ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। आपको बता दें कि इस फिल्म से वरुण अपने करियर की 10 साल पूरे कर रहे हैं। जी हाँ, 19 अक्टूबर 2022 को स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया और आज 19 अक्टूबर 2022 को भेड़िया से अपने सफर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह मूवी पूरी तरीके से कॉपी है, बिल्कुल आज से 30 साल पहले आई जुनून फिल्म से मिलती जुलती है। 1992 में रिलीज हुई जुनून में राहुल रॉयत जिसमें इंसान से शेर बनते नजर आते हैं, जिसके सीन इस फिल्म में दोहराए गए हैं। क्या आपको भी भेड़िया फिल्म देखकर जुनून की याद आई? अब बात करेंगे इस फिल्म की पॉजिटिव बातें। VFX एंड CGI चलो कम से कम आदि पुरुष से तो अच्छी ही है। जी हाँ, इस फिल्म के VFX काफ़ी बेहतरीन है जो एक अलग दुनिया में ले जाती है। कास्ट, इस फिल्म में कास्ट अपने आप में एक बेहतरीन है। कृति सेनन का लुक भी कुछ अलग दिखाया गया है। म्यूजिक, पूरे ट्रेलर के बीच में एक गाना चलता है जो हमें इंगेज रखता है। लास्ट में चड्डी पहनकर फूल खिलाया वाला गाना बचपन की यादों में ले जाता है। अब निगेटिव की बात करें तो कॉपी, राहुल रॉय की फिल्म से यह कहानी मिलती है और कैरेक्टर भी, ऐसे में क्या होता है देखना होगा। हॉरर, लोगों को डराने के मामले में यह फिल्म थोड़ी पीछे है, बाकी आप लोगों को खुद पता चल ही जाएगा। 25 नवंबर को रिलीज हो रही यह फिल्म हंसाने में कामयाब होती है या डराने में देखना होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और यह भी बताएं हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।